वेलकम बैक। और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने जा रहे हैं HTML कमेंट्स की। कमेंट्स क्या है और किस तरह से हम लोग HTML के अंदर यूज कर सकते हैं। बेसिकली जब हम कमेंट्स की बात करते हैं, चाहे वो HTML हो या कोई और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो या कोडिंग लैंग्वेज हो, तो कमेंट्स का मतलब ये होता है कि जो चीज हम लोग कमेंट के अंदर लिखेंगे उससे क्या होगा, हमारा कोड यूजर फ्रेंडली हो जाएगा। और दूसरा ये कि जो चीज कमेंट के अंदर लिखी होगी वो ब्राउजर पे कभी भी इंप्लीमेंट नहीं होगी, यानी आउटपुट पे शो नहीं होगी। वो जस्ट कोड के अंदर लिखी हुई नजर जरूर आएगी, लेकिन वो उसका आउटपुट के साथ कोई जो है वो लिंक नहीं होगा। ठीक है, अब सबसे पहले हमने बात की थी कि कमेंट से कोड यूजर फ्रेंडली हो जाता है। यूजर फ्रेंडली कैसे हो जाता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने एक वेबसाइट बनाई है और वेबसाइट बना के मैं अपने किसी दोस्त के साथ शेयर करता हूँ, ठीक है, तो उसके अंदर मैं डिफाइन करूंगा प्रॉपर कमेंट के साथ। अगर आपने हेडर सेक्शन को एडिट करना है तो हेडर सेक्शन कहां से स्टार्ट हो रहा है, कहां पे एंड हो रहा है, तो वो कमेंट को रीड करके उसको आइडिया हो जाएगा कि कौन सा सेक्शन कहां से स्टार्ट होकर कहां पे एंड हो रहा है। सो आए चलते हैं और देखते हैं कि HTML के अंदर हम लोग कमेंट किस तरह से यूज करते हैं। सो बेसिकली HTML के अंदर दो तरह की कमेंटिंग होती है, एक होती है सिंगल लाइन कमेंट और एक होता है मल्टी लाइन कमेंट। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे अगर कमेंट यूज करूंगा तो मैं लिखूंगा कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश की यूज करूंगा, एक एडिटर उनको एंटर करूंगा, तो यहाँ पे मेरे पास कमेंट का फॉर्मेट आ चुका है और यहाँ पे मैं जो भी चीज चाह रहा हूं लिखना मैं लिख सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ HTML कमेंट, ठीक है, सेव करते हैं और गो लाइव पे क्लिक करेंगे। अब हमने बात की थी कि जब भी हमने फाइल के अंदर कोई भी चीज एडिट करनी है, मॉडिफाई करनी है, तो उसको बार बार सेव करना है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी फाइल के अंदर जाके ऑटो सेव के ऑप्शन को चेक किया हुआ है और मैं चाह रहा हूं मैं बार बार ब्राउजर को रिफ्रेश ना करूं, तो मैं एक ही दफा में उसको गो लाइव पे क्लिक करके क्या करूंगा, एक और पैराग्राफ कॉपी करके रख देता हूं, यहाँ पे पेस्ट करता हूं और ब्राउजर पे जाता हूं। ये देखिए मैंने ब्राउजर को रिफ्रेश नहीं किया, लेकिन ऑटोमेटिकली पैराग्राफ आ चुका है। सो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है लाइव सर्वर को यूज करने का, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे कमेंट के, ये देखिए मैंने कमेंट HTML के अंदर ऐड किया हुआ लेकिन ब्राउजर पे शो नहीं हो रहा। सेम एज इट इज, अगर मैं इस हेडिंग को कमेंट करना चाहूं तो अगेन कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश क्लिक करूंगा, ठीक है, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए हेडिंग कमेंट हो चुकी है जबकि कोड के अंदर डिफाइंड है। तो यह सिंगल लाइन कमेंट। अगर हम लोगों ने मल्टी लाइन कमेंट करना, फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करता हूँ इसको अगर अनकमेंट करना, तो अगेन कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश क्लिक करेंगे तो ये अनकमेंट हो जाएगा। और अगर मल्टी लाइन कमेंट यूज करना है तो सिंपल ये दोनों पैराग्राफ को आपने क्या करना, ड्रैग करके सिलेक्ट कर लेना और कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश क्लिक करेंगे तो ये मल्टी लाइन कमेंट भी हम लोगों ने यूज कर लिया है। सो इस तरह से हम लोग जो है वो अपने HTML फाइल के अंदर कमेंट करते हैं ताकि हम अपने कोड को जो है वो यूजर फ्रेंडली बना सके। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।